कैंसर स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस थीम बो गवर्नमेंट इंडिया फिक्स चाहनोले हर महीना ई थीम बो चेंज चाहनो दलोई दे थीम बो नोकले कैंसर रिका मीमांस कुमला हागो सल्चेस नंग कैंसर रिका मतंग स्ट्रक्चर चोचेस स्क्रीनिंग चोचेस तेने दिरिंग ई का मीमांस कुमला मतंग पूरा मतंग अरेंजमेंट चोचते नो मीमांस कुनी बीपी चेक चोजा शुगर चेक चोजा या ची एजुक योतना मतंग दिरिंग ई का चेक चोचेस नोकले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हेल्थ मिशन ने ना ते सुको एम बो यो क्या कि मीमा संगमला इक्विटेबल जरा नो संगमला न्यूशी की सुके हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड चोचेस अफोर्डेबल मीमा सुनला चंडे नाम ने पेने थिंग मिगो शेसी क्वालिटी हेल्थ केयर तंचेस का बो अकाउंटेबल यो नता ये हेल्थ सर्विस सिस्टम ना नता ते बे इसु खाते नो चितों इसु छा मागो अकाउंटेबल योंगोस नाम रिस्पोंसिव टू द नीड ऑफ द पीपल जेना मीमांस ला ची होस्टो मियो ते बो मीमांस ला खमसे जस्तो फुलचेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए इसु के नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 नाते वो मुल्क्या चम शिक मता खमसे इका जुगियोते नो मता हेल्थ सब सेंटर ये जा छम लगियो से नो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यो क्या सब सेंटर यो क्या ते छम ला अपग्रेड जो से दक्षा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 नमजिन ते छम ला अपग्रेड जो से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जुस्ते नो ले ता हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिना ची फरक यो क्या ये जे मोलना तेवो नोकले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नंगा खमसे चिपो मन पा इबे नंगा हेल्थ जना खमसे काबे ना मिजी का जुमो योंग ना तेवे स्ट्रक्चर मर्तो ने चोइन योंग से नोकले ता वेलनेस संगे नोकले वेलनेस जना सेम स्किप सिंबल स्किप वो यो चेस योगा एक नाता ने चोचुक चेस नाता ने मेडिटेशन चोचुक ना ताची इसुक योग ना सिंबल स्किप वो योंग रोसा नो निस्के अजुबो स्ट्रक्चर नाताई निस्के फिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बो अजुब अचोस्ते नोले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नाताना इजुब नाताई जुमो यों संगला प्रिवेंटिव सर्विस यो क्या ले प्रमोटिव सर्विस यो क्या जुमो यों ना क्यूरेटिव सर्विस यो क्या जुमे स्टिंग ने चितों जुची अश्क्यों चाना ते बार रिहैबिलिटेटिव सर्विस अंग यो क्या जुमे स्ट्रक्चर चिक्रो मन पा ये पूरा सर्विस नताई फुलचे से नोले तेने निजो छमा आयुष्मान भारत जुना छमा ला छोटे नोले आयुष्मान भारत यानी कि हेल्दी इंडिया आयुष्मान भारत इते वो मोलते नो कि लीव नो वन बिहाइंड कोई भी इंसान या बीमार आदमी पीछे छूटना नहीं चाहिए लीव नो वन बिहाइंड ये एम है कि सू मीशी का जुमो योडो चितो खमसे थोक में जब तो वोशेस योडो वो पीछे नहीं छूटना चाहिए उसको क्वालिटी हेल्थ केयर ना जे खमसे ऐसो के हेल्थ जो सर्विस जो है हमारे हेल्थ सेंटर से आपको क्वालिटी सर्विस मिलेगा। फॉर्चुनेटली लद्दाख में जो पब्लिक है वो काफी हेल्थ अवेयर है, हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच रही है और पैप्समेयर्स वगैरह जो टेस्टिंग है उसका काफी पैमाने पर यहाँ होता है प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट में। हम बाकी इंडिया में नहीं देखते हैं कि हम मुझे चेकअप करना है मुझे कुछ, क्योंकि जो अर्ली सिम्टम्स है वो आपको कुछ सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपको 100% औरतों को बिना कोई सिम्टम्स के हमारे पास आके चेकअप करना है, एक दो साल में या ढाई साल में तीन साल में एक बार आके इसको करते रहना है, क्योंकि शुरुआत में इसका कोई सिम्टम नहीं होगा। आप सोचेंगे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों जाऊं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम आएगा तब वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होगा और तब फिर वो इतना ट्रीटेबल नहीं होगा। हाँ, क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? इसकी वैक्सीन आ रही है अब, इतने साल इसका वैक्सीन लद्दाख तक नहीं पहुंचा था, सिर्फ मेजर सिटीज में अवेलेबल था और वो भी प्राइवेट में, एक डोज अराउंड 10,000 रुपीज पर डोज लगता है। फॉर्चुनेटली इस साल अभी इंडिया मेड वैक्सीन गवर्नमेंट के थ्रू सप्लाई हो जाएंगे और वो लगभग फ्री में सप्लाई हो रहे हैं।
तो इस साल चालू हो जाएगा। ये 9 से 15 की एज में जो लड़कियां हैं उनको लगता है, और अगर कोई मिस हो गया है कि 15 तक नहीं लगा पाया, आप शादी से पहले लगा दीजिए, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन से जो वायरस अंदर घुसते हैं वो वायरस इसका मेन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। यहाँ पोमो तेरे जुबो चिक तेरे ब्रेस्ट कैंसर तेरे होता पीबी तेरे होता कैंसर है ना भी उनसे तेरे टेस्ट को ना तेरे ये का चिक निस्सुम जी जून तेरे काय करने का ता तेरे के ये का ता हेल्थ मेले तेरे मिहियो तेरे अवेयरनेस प्रोग्राम में करे जासिंग का ता जबिक स्कूल में चेंज सुनते तेरे इना तेरे जुना इन तक का ता दस साल दस ता तेरे मा मंगोजिक तेरे का ता कैंसर है तेरे जुबोजिक गैस ना यू तो लोग तेरा ना तेरे छंद सब तेरे मार इक पुतेरे का ता जीआई कैंसर जिते तेरे का ता फोटो से कहना का ता स्टोमक देते तेरे का ता कजीज अजीज तेरे का फुआ तेरे फूड पाइप तेरे जैसे होगा ता तेरे तो तेरे मार इक तेरे हेपेटोबिलियरी सिस्टम कहना ता छिपे जुमो तेरे पेरिग्रेस जिते तेरे लोआ छिया जिते सो तेरे तेरे तो ना था यंग मार चिक गैस न्यू तेरे बोलो ना कोलन कैंसर रेक्टम कैंसर लंग कैंसर मान मंगपो यू तो इन्ना तेने दी तेरे अजुक ना स्तूर दे तेने पोमो लेना तेना योग तेने अजुक ब्रेस्ट कैंसर पीबी कैंसर स्कूल देखिए तेने इना ते संग संग तेने जरूर ते रोकी चलाको ना ये अजुको पोमो जी लो छू जी गिंदो या छेमो जी गिंदो सब सुपर यो रोज ना ये जो से तेरे जुबो तेना सू जा तेने छून दे कम से कम कदा निशुर सवा सुन चू जी ने घेलना पुटचू दू चूते सपला मार यो गेल रोया ले ते इन दम ये कदा मा छून ने सुजो यो जी सब यो लो यंग मा लो छेमो सोते यो जी सब यो ले इंडस के पसंद ड्रिंक यहां जोर को बता देना ना एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन नता के रिस्क को बिन ते ओनली ओमी चिक टेस्ट के चीज इन सब साल देखिए ना तुम गवर्नमेंट की पॉलिसी रख कर ता नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बीपी शुगर रखन तो मसो छ नी छन मर गन कर छन मर ना लो सुमजुआ सो थिबा छकन मुल्ला ते मोपो न दुजे न खा ते उसके पसंद धीरे रफोता मिनु न चेक चेक छन बीपी चेक चेक छन शुगर चेक चेक छन ते तो न कैंसर कैंसर मिदु करता छ ते थिया मीमा छन ग सते मता हेल्थ स्टाफ न न यंबो डॉक्टर सुजी न मता स्कूल मा छकन ते न यंबो कॉर्पोरेट बच्चेस को मा खते न दफा डॉक्टर सु सुन न मोला साले मी उन इस गलते दे रिस्पांस मतंग ना तेने लज गजु छिन ता लज दुचे न मता मता ये हेल्थ ट्रिप ये डिपार्टमेंट ये पॉलिसी देवे नगले मीमा उसमें सोमा चेक चो चेक तो आने बीपी शुगर ला लोकर ना लान रेडे चेक चो बसे कैंसर फिया लोर ने ना लंचिक चेक चो चेक आने ते वो सोमा चुटी बोझे ते वो चो माचुक ना जैसी चेक चेक माचो अधुक से जैसी इधर मिल जाए कैंसर बिंस तो स्टेज 3-4 लेफ्ट तो तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हर महीने के 14 तारीख को आप अपने नजदीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आए और जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस दिन उससे फ़ायदा लें, और उससे फ़ायदा ये होता है कि अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस सबसे बेसिक चीज़ है। कोई बीमार होता है फिर अस्पताल जाता है, उस वक्त से अच्छा है कि हम बीमारियों के बारे में पहले ही जानें, कैसे कोई बीमारी जो है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, और हेल्थ प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन में वही हो गया कि आपको हर एक चीज़ की जानकारी हो, कोई बीमारी जो है वो कैसे हो सकती है, खासतौर पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो यानी इन्फेक्शन से नहीं होती हैं, लाइफस्टाइल से होती हैं, उसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर्स हैं, इनके बारे में ये प्रिवेंटेबल हैं ज़्यादातर, अगर हम इनके बारे में हमें पहले से जानकारी होगी तो इसलिए ये तो स्पेसिफिक हो गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अस्पताल हो गया, वहाँ पे तो डॉक्टर्स आपको मिलते हैं, इन केस अगर आपको इमरजेंसी होती है तो लद्दाख में हमने 108 एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की है।
सभी जगह पे अवेलेबल अगले कुछ महीनों में होगी। ले में है, ले टोन में अगर किसी को भी कोई भी इमरजेंसी किसी वक्त है तो अपने फोन से बस उठा के आपने 108 नंबर दबाना है। वहां पे 24 घंटे आपके आपकी कॉल को उठाने के लिए डेडिकेटेड स्टाफ है 24 घंटे। अगर आप रात के 2 बजे भी कॉल करेंगे तो आपकी कॉल उठाई जाएगी। उसके बाद इमरजेंसी है, अस्पताल तक जाना कई बार यानी टाइम लग सकता है, उसी वक्त जो है एम्बुलेंस जिसमें एक पैरामेडिक होगा, स्टाफ होगा, वो आपके पास आपकी जगह तक पहुंच जाएगी। कॉल करने के 2 तरीके हैं। एक है आप सीधा 108 दबाइए, वो कॉल आपकी मिल जाएगी। दूसरा है अगर आप एप्लीकेशन एक डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं और आज भी आपको देंगे, तो आप वो एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करेंगे, आजकल हर कोई तरह तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड होती हैं, तो आप यानी उसमें बहुत आसान है, उसमें खाली एक ईमेल देना है आपने और मोबाइल नंबर देना है। उससे ये होगा कि आपकी लोकेशन जो है वो ड्राइवर को पता चल जाएगी कि आप कहाँ से फोन कर रहे हैं, और वो सीधा आपको वहां पे यानी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए आएंगे। फिर वो जो सबसे पास वाला अस्पताल है वहां पे पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक पैरामेडिक होगा, तो पैरामेडिक होने से ये फायदा है कि आपको मेडिकल अटेंशन उसी वक्त उसी जगह पे मिल जाएगी। और ये जगह जरूरी जो है वो अगर किसी को चेस्ट पेन है यानी जिसको बहुत जल्दी मेडिकल सपोर्ट चाहिए, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गिर के किसी को इंजरी होती है, तो उसी वक्त मेडिकल सपोर्ट जो है बहुत जल्दी मिलेगी। तो इस चीज को आप खुद भी करें, अपने जो जानकार हैं उनको भी बताएं। आज 14 फेब को हेल्थ मेला है यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में, और ये जो मेला है ये अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर सोलर कॉलोनी के हमने हेल्थ मेला किया है। वहाँ थोड़ा सा अभी जगह की कमी थी इसलिए हमने यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी में किया है। ये जो मेला है हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे इंडिया में, ले डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं पूरे इंडिया में हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 14 तारीख को फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट ने। और उनका जो थीम है इस महीने का जो थीम है वो है स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस फॉर कैंसर। तो ये जो थीम होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर महीने फिक्स करेगा हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। तो मैं आज के दिन मैं सभी लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने घर के पास जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहां पर जाएं, इसका फ़ायदा लें। और इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ना सिर्फ आपका गोल्डन कार्ड, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं हमारा गोल्डन कार्ड का भी यहां पर काउंटर है, यहां पर आभा हेल्थ आईडी का काउंटर है, हमारे एनसीडी के जितने भी चाहे ब्लड प्रेशर टेस्ट चेक करें या शुगर का टेस्ट करें और कैंसर्स, इसमें कैंसर के लिए मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ये जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है सर्वाइकल कैंसर और जो ब्रेस्ट कैंसर और हमारा ओरल कैंसर, इसमें हमारा फोकस है इस महीने। और इसी तरह हम यहाँ पर हर एक तरह का हमने फैसिलिटी रखा है, जैसे मेंटल हेल्थ का यहाँ पर काउंसलिंग भी है, मेंटल हेल्थ चेकअप भी है, और हमारे RBSK का जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी हमने काउंटर रखा हुआ है, इसी तरह ओरल केयर के लिए सारा काउंटर्स है। तो सभी लोगों से ये आग्रह है कि वो अपने अपने गाँव में अपने अपने जगह पर गाँव में जहाँ भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ जाए, और हर 14 तारीख को याद रखें ये डेट, 14 तारीख को हर एक महीने आपका हेल्थ मेला होगा। और हेल्थ मेला में ना सिर्फ हम बीमारी के लिए इलाज की बात करते हैं लेकिन वेलनेस जैसे योगा है, जुम्बा डांस है और मेडिटेशन, इस तरह पे भी फोकस है। हमने यहाँ पर इस आज रखा हुआ है जुम्बा डांस, जिससे लोगों को अपने जैसे मेंटल हेल्थ के थोड़ा रिलैक्स होने के लिए भी हमने ये फैसिलिटी रखा हुआ है। तो इसका ज़रूर फायदा लें। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये जो यहाँ आज के दिन जो काफ़ी डॉक्टर्स पे उन्होंने लेक्चर किया, ये फ्यूचर में हर 14 तारीख को ब्लॉक हेड क्वार्टर्स पे भी होंगे जैसे ये आज भी ब्लॉक हेल्थ क्वार्टर पे हर एक जगह पे जो जैसे जो टॉपिक है, जैसे इस बार का टॉपिक है कैंसर, तो आज हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं SNM हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, ओरल कैंसर और ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में इन्होंने अवेयरनेस दिया। इसी तरह हर एक ब्लॉक हेल्थ क्वार्टर ही नहीं लेकिन हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ये होगा हर महीने। थैंक यू।